गुड आफ्टरनून, लेक्चर 11, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोलर फॉर्म। तो यस्टरडे वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर पोलर फॉर्म एंड प्रिंसिपल पोलर फॉर्म के थीटा हम कैसे निकालते हैं। तो मैं यहां थोड़ा सा लिख रहा हूं हाउ वी फाइंड थीटा। तो हम कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैन फाइंड थीटा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखवाए थे, आज उसमें से एक यूज भी हो सकता है। ठीक है, थीटा निकालने के लिए मैं वो नहीं बताऊंगा कि tan 90 प्लस वो सारा नहीं, tan थीटा इक्वल टू y बाय x। क्यों, मैंने कल रीजन बताया था, अगर आपको समझ आता है तो, नहीं आता तो याद रखना है। फिर मेरे पास एक था पोलर फॉर्म, एक था प्रिंसिपल पोलर फॉर्म। जो पोलर फॉर्म होता है उसके लिए हम किस तरह से चलते हैं, पोलर फॉर्म के लिए जो थीटा होता है वो होता है 360 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट में दोनों पॉजिटिव, आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा, देखो अब इसके बाद ना बोलना, आराम से बिल्कुल रिवाइज कराता हूँ मैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जो कल नहीं आए थे, परसों नहीं आए थे, मीटिंग में ना रहे, ज़्यादा फायदा है, इसके बाद में इसे व्हाट्सएप में बात कर ले तो ज़्यादा फायदा है। आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई माइनस थीटा, ये नहीं कि सवालों का बैच दो घुस को, पहले बात करो कि भैया आज मेरा लेक्चर समझ आएगा, मैं कल नहीं था तो बात बनेगी। पाई प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस और नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा आपके पास 2 पाई माइनस थीटा, ये चीज, ये जाएगा 0 डिग्री, ये जाएगा 190 डिग्री, ये जाएगा 180 डिग्री, ये जाएगा 270 डिग्री, ये जाएगा 360 डिग्री। पर समटाइम जो पॉइंट है वो एक्सिस पे भी दिया हो सकता है, समटाइम पॉइंट मे बी एट एक्सिस पे भी दिया हो सकता है। मेरा मतलब यहाँ पे दिया होगा आपके पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दिया होगा तो किस फॉर्म में दिया होगा, 2,0 की फॉर्म में। तो यहाँ एक्सिस पे आ जाए तो उसका आर्गुमेंट जो होता है वो 0 डिग्री होता है। पर यही बात अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा पॉइंट y एक्सिस पे दिया हो, अबव y एक्सिस पे, तो मेरा जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है वो होता है 90 डिग्री। फिर मेरे को यहाँ दिया हुआ है तो मेरा पॉइंट होता है -2,0, तो यहाँ मेरा आर्गुमेंट ऑफ z होगा 180 डिग्री। अगर मैं इसकी गेम समझ जाऊँ तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चनों में, जैसे कर रहा था। आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब है मेरे पास, ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया, और ये वही तरीका जो आपने 10th तक पढ़ा हुआ, 10th से बाहर भी नहीं गए और वहाँ तक भी पहुँच के हम सारे ये सीख गए। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले फॉर्मूले जरूर होते हैं जो आपने पढ़े नहीं अभी तक, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मैंने वही बोला है, आपको ये समझ हुआ है कि नहीं, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ समझ है कि नहीं 180 होता है, यहाँ समझ है कि नहीं 270 होता है, यहाँ समझ है कि नहीं 0 डिग्री होता है। फिर बात हो रही है प्रिंसिपल पोलर फॉर्म की, प्रिंसिपल पोलर फॉर्म। तो प्रिंसिपल पोलर फॉर्म की बात अगर करते हैं तो ये चीज चलती है इस तरह से, प्रिंसिपल पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो इस तरह से चलती है। जीरो, वहां पे जो थीटा मूव करता है वो क्या करता है, 180 से ज्यादा -180 डिग्री से कम। तो जीरो से क्या हो गया 90 डिग्री, 90 से क्या हो गया 180 डिग्री, 180 से क्या हो गया 270। गलत है, यहाँ 270 नहीं होता, सोचना। तो यहाँ तक तो ठीक है 180 तक, उसके बाद क्या चलते थे वापस, कितने डिग्री -90 डिग्री, सोचना -90 डिग्री, यहाँ चलेंगे तो कितना आएगा -180 डिग्री। फर्स्ट क्वार्ट में क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, सोचो जरा। सेकेंड क्वार्ट में एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा तो इधर आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा। यहाँ जो होगा वो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा माइनस का थीटा। और एट लास्ट यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव क्वार्ट वही रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और आर्गुमेंट जेड कितना होगा, कल बहुत अच्छा बताया था कई बच्चों ने, वेरी गुड उनके लिए कि हाँ भी वो -180 प्लस थीटा समझ गए थे भाई, इसका नेगेटिव होगा वो पाई 180 होता है, चाहे 180 डालो हार्डली मैटर्स, मैं पाई डाल रहा हूँ 180 डालो, कल मैंने 180 लिखवाया था आज पाई लिखवा रहा हूँ,
जब इस पे कोई पॉइंट होगा क्या बोला 0.2 तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा 90 डिग्री, जब इस पे होगा 0.0 जब इस पे कोई पॉइंट होगा 2.0 तो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा 0 डिग्री, जब इस पे होगा आपके पास क्या बोला -2.0 आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो होगा 180 डिग्री। यहाँ तो तीनों के सेम है, जैसे ये 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, यहाँ भी 90 है तो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0, गड़बड़ बस यहाँ होती है क्योंकि आप 270 मूव करते हैं। यहाँ भी कोई पॉइंट ले लो 0.-2 तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होता है सोचो जरा, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितने डिग्री होगा सोचना जरा, 270 की जगह कितना होगा -90 डिग्री, बस ये फर्क होता है -90 डिग्री। चलिए हमें क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने रिवाइज कराना था, इसमें कुछ ऐसा नहीं तो भी समझाना है, वो पिक भेज नहीं दी आज, मैं कल फिर भूल गया, आज भेजता हूँ यार क्वेश्चन की, मैडम को बोलूँगा भेजते रहते बस काम होते स्केच किए थे कल, हाँ देखूंगा, आपने कहीं ने व्हाट्सएप पे भेजे हुए कुछ चीज़ें, मैं देखूंगा आज कल संडे, कल ऑफ है भी, कल वो डाउट उठ लेंगे जितने भी व्हाट्सएप पे आए हुए बच्चों के, कल ऑफ है पहले बता दिया, ठीक है एक्सरसाइज पूरी कर लेना परसों इसके डाउट देख लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ये, ठीक है इसी के ऊपर 5.4, ठीक है ये रब होगा तभी तो जगह बनेगी, क्वेश्चन करा रहा हूँ फर्स्ट का, ये है फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ करा लो या फिफ्थ करा लो, जो कराने करा लो, एक करा लो कोई भी, रेशनलाइज करना उसके बाद सॉल्व करना है, आज तो बहुत आसान काम है, मुश्किल तो लगी नहीं। चलो फर्स्ट का ही फिफ्थ पार्ट करा लेता हूँ, एक्सरसाइज 5.4 है भाई, अब टेबल अपना दिमाग है, अब मैं पूरा टेबल तो बताने से रहा आपको बना दिया, आज रिवाइज इसलिए कराया ताकि आपके पास रहे ये टेबल, एक्सरसाइज है 5.4 है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, एक्सप्रेस करना है इन पोलर, बोलेगा पोलर प्रिंसिपल पोलर फॉर्म है, वैसे पहला वाला क्वेश्चन प्रिंसिपल पोलर फॉर्म का था, प्रिंसिपल पोलर फॉर्म याद करो, इसमें थीटा का फर्क है बाकी कुछ नहीं है, तो आज बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल होंगे इस एक्सरसाइज में, कंपैरेटिवली पहले दिन के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, 1+2 आइटम, 1-1 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा जेड इक्वल टू 1+2 आयोटा, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होगा माइनस का 1, तो कट जाएगा, अब नहीं हो रही बात रही कि पूरी बात को मैं उस तरह से करूँ, ठीक है अब तो आपकी समझ अपने आप होनी चाहिए, 1+2 आयोटा, नीचे भी 1+2 आयोटा देखना जरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 1+2 आयोटा ही बचेगा, ये कट के क्या आ जाएगा 1, जेड क्या आ गया 1 आ गया मेरे ख्याल से, तो आने तो जेड को 1 कोई दिक्कत नहीं, जब जेड 1 आ गया तो मैं जेड को लिख सकता हूँ 1+0 आयोटा, तो इसका पॉइंट क्या हो गया, जो पॉइंट बनेगा विच इज इक्वल टू 1.0 के, तो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया है, इट्स पोलर फॉर्म लिख देता हूँ, इसकी पोलर फॉर्म है जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, फिर आपके पास क्या होगा इसका सेकेंड है, आर निकालना है, आर होता है आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1+0 1, अब थीटा निकालना है, नाउ फाइंड थीटा, इसमें वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, टैन थीटा वाई बाय एक्स, क्यों बोला इसमें कोऑर्डिनेट किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, नो नीड, इसको करोगे क्या निकाल के, कोई जरूरत ही नहीं होती इसकी, क्योंकि ये तो पॉइंट सीधा एक्सिस पे लाई करता है, 1.0 अपने आप अपने दिमाग से सोच लो कहाँ लाई करेगा, सिंस जो पॉइंट है 1.0 वो लाइज करेगा किसके ऊपर, ऑन
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लाई करेगा 1,0। अगर यहाँ लाई करेगा तो अब आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा वो देख लो, 1,0 पे लाई करेगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा वो देख लो, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा 0 डिग्री। क्यों, यहाँ कौन सा है आर्गुमेंट 0 डिग्री, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी यही होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आ जाएगा 0 डिग्री दे, तो अब पुट करा दो इन टू में, आर कॉमा थीटा इन टू में पुट करा, तो जेड क्या हो गया, आर तुमने निकाला होगा 1 cos 0, आयोटा 1 sin 0, आंसर आ गया, खत्म हो गया ये मतलब। देखना पीछे कितना आंसर दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, cos 0 + 8 sin 0, तो ये चीज का कहानी है, समझ रहे हो, इसमें क्या करोगे निकाल के, कोई जरूरत ही नहीं होती। सेकंड का फर्स्ट है, एक्सप्रेस करना है सिर्फ पोलर फॉर्म, सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल दूंगा, बस आप नोट करते रहना, फटाफट करूंगा, कोई डाउट होगा तो देखेंगे परसों, आज मेरे को खत्म कराने का बस। सेकंड का फर्स्ट मैं करता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाओ बस, ठीक है, जो काम था वो मैंने समझा दिया, आप कोई समझाने वाला नहीं है, चलो ये है कि आपको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा दूँ। तो इसकी पोलर फॉर्म जो होगी, इट्स जो इसकी पोलर फॉर्म होगी, इट्स पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, फाइंड करो आर कॉमा थीटा, हियर आर क्या होगा इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रिमेनिंग पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आर जो होगा वो √2 होगा। Now find theta. Theta की जो वैल्यू निकालोगे वो कैसे निकालोगे, ये निकलेगी tan theta equal to y by x, y कितना ही x है, ये y है, tan theta equals to 1 upon -1, tan theta equal to 1, 1 देख लो tan में कहाँ पे होता है, tan of theta equal to tan of 45 degree, theta किसके equal आ जाएगा बताओगे, 45 degree के equal आ जाएगा, अब मैं point check करूँगा, point कौन से point में lie करता है, अब इसमें पूरा काम check करो, देख लो क्या 45 डिग्री आ गया, पर ये मेरा आर्गुमेंट नहीं बनता, ये डिपेंड करता है पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट है वो कितना है आपके पास, सिंस जो पॉइंट होगा -1, 1 वो किस में राइज करता है, राइज इन, ये देखना पड़ेगा, एक्स पहले पॉइंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होते हैं, राइज इन कौन से पॉइंट में राइज करेगा, सेकेंड पॉइंट में, कौन से क्वांट में लाइज करेगा, सेकंड क्वांट में, जब सेकंड क्वांट में लाइज करेगा तो आपका थीटा कितना होगा, पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म, तो थीटा अगर याद करो सेकंड क्वांट में पोलर फॉर्म में आर्गुमेंट कितना होता है, सचो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होता है, π - θ, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, π - θ, तो π - 45 डिग्री, 135 डिग्री हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे लिख, 135 डिग्री लिखना, 135 डिग्री लिख लो या ऐसे लिख लो 3π/4, पुट करा दो इनटू, पुट करा दो इनटू, जेड कितना हो जाएगा आपके पास, आर कितना है आपके पास, √2, आर कितना है √2, कॉस
135 डिग्री बोलते हैं प्लस हटा, जिसका 135 डिग्री निकला वो भी ठीक है। कई बच्चों ने आंसर निकाल के छोड़ा, अच्छा अभी बच्चे ने आंसर लिखा हुआ था वो ठीक कह दिया। चलिए अब 135 डिग्री ठीक है, मैंने बोल तो दिया आपसे, कोई बच्चे 135 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो आप धीरे धीरे आपको समझ आएंगे, धीरे धीरे निकलेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, जो मेथड कराया उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, जब मर्जी कभी भी टेस्ट करेंगे। ये क्यूसी है, क्यूसी क्या मतलब, क्यूसी का मतलब क्वालिटी चेक है मेथड, टेंशन ना लो, क्वालिटी क्वालिटी सब ठीक है इसकी। थर्ड का थर्ड पार्ट है एक्सप्रेस करना है इन पोलर के प्रिंसिपल पोलर फॉर्म, ये देखना पड़ता है। पोलर बोला तो पोलर चेक करना पड़ेगा, प्रिंसिपल बोलेगा तो प्रिंसिपल चेक करना पड़ेगा। जेड दिया हुआ है 5/2 cos 300 डिग्री आयोटा sin 30, जेड दिया हुआ है 5/2 cos 300 डिग्री आयोटा sin 30 डिग्री। cos 300 डिग्री की वैल्यू पुट करना, इसको 1 मान लो, तो cos 300 निकाल लो। cos 300 डिग्री बताया था कैसे निकालते हैं, आसपास के एंगलों में देखते हुए 360 माइनस 60 ये रहा 0 से 90 180 270 360 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वांट आएगा 360 माइनस थीटा में, कौन सा क्वांट आएगा फोर्थ, फोर्थ क्वांट में क्या होगा आफ्टर स्कूल 2 कॉस क्या आएगा पॉजिटिव, कॉस क्या आएगा पॉजिटिव, फोर्थ पॉइंट आएगा आफ्टर स्कूल 2 कॉस क्या आएगा पॉजिटिव, 360 पे कॉस क्या आएगा पॉजिटिव, कॉस 60 की वैल्यू पुट करो 1/2 बस आ, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 डिग्री भी कितना होता है 1/2 पुट करा दो इन वन में करा दो, जेड की वैल्यू देखो कितनी है, कॉस 300 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, अब इसका पॉइंट बना लो, पॉइंट कितना आएगा 5/4, 5/4 तो जेड क्या आएगा, इसकी पोलर फॉर्म क्या आएगी, इट्स पोलर फॉर्म, प्रिंसिपल वो बात ठीक है, निकाला किसी ने, बैठो ना मेरी बात मत देखो खुद निकालो, मेरी वेट मत करा करो खुद निकालो, जब सिखा दिया ना बाप की जिम्मेवारी, ठीक है। आ कितना आएगा रियल पार्ट का स्केयर, क्या निकालूंगा थीटा, नाउ फाइंड थीटा, जो tan थीटा होता है वो कितना होगा y by x, y कहीं पे दिया x की अब कहीं पे दिया हुआ x है y है, tan थीटा इक्वल टू 5/4 by 5/4 tan का कितना आ जाएगा आपके पास 1 देखो कहीं ना कहीं जरूर होगा, सोचो tan में tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ 5/4 आ जाएगा, थीटा जो आएगा 45 आ जाएगा। नाउ जो पॉइंट है, नाउ जो पॉइंट है क्या बना,
5/4, 5/4 वो कहां लाइज करेगा, लाइज इन फर्स्ट पॉइंट। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड याद करो कितना होगा थीटा। बेटा निकाल के आंसर लिख दिया करो ना, जैसे पहले बच्चे लिख रहे हो, पुट करा दो इन टू में। कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म क्या रही है, तो पुट करा दो टू में। जेड इक्वल टू आर 5√2/4 कॉस पाई बाय 4। आंसर आए, ये इसका आंसर देखिए जरा चेक भी कर ले। सेकंड का थर्ड कराया ना मैंने, सेकंड का थर्ड का थर्ड सॉरी थर्ड का थर्ड 5/2√2 बिल्कुल ठीक है, यही है क्या, हाँ यही तो आ रहा है 5/2√2 तो क्या वही है 5√2/4 ये ठीक। कॉस 5/4 प्लस बेटा सेंटर में फोर्थ है, फोर्थ का सेकंड पार्ट आराम से करें ना घर पे, वैसे तो डाउट आएगा नहीं, मुझे लगता डाउट आएगा, फिर भी कोई एक आएगा जरूर करेंगे। एट का फोर्थ भी डिस्कस कर जरूर करूंगा, कहा चिंता मत कर। एक बार तीसरा दिन है, तीन दिन पहले आपने डाउट दिया था, शायद मैं कल व्हाट्सएप पे ना भेज दूँ आपके, अगर याद आया नहीं तो मैं बोर्ड पे परसों जो भी है मंडे को सॉल्व करा दूँगा। हाँ तो शायद बारी ना आए, बस खत्म हो गया ना आज ये, आपने 5.1, 2, 3 के डाउट लिए थे मुझसे याद करो, मैंने सारे इकट्ठे ले लिए थे, आप दोबारा ले सकते हो, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करूँगा। फोर्थ है, फोर्थ का सेकेंड है वही है एक्सप्रेस करना है इन पोलर फॉर्म में। जेड दिया हुआ 2 cos 210 degree, आयोटा साइन 210 degree, फोर फोर टाइम चलिए मैंने इनकी वैल्यू पुट करा दी है, फिर आगे देख लूंगी। कॉस ऑफ 210 degree निकाल दूंगा, कॉस ऑफ 180 + 30 degree, पहले के आराम से वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 ही आ गया, 90 ही आ गया, 180 आ गया, 180 प्लस थीटा आफ्टर स्कूल 2, टेन और कॉट पॉजिटिव हो गया, कॉस क्या होगा नेगेटिव, क्यों थर्ड पॉइंट आ जाएगा 180 प्लस थीटा, कॉस क्या हो गया नेगेटिव, 180 पे क्या रहेगा कॉस, कॉस 30 की वैल्यू क्या आ गई √3 वैल्यू, साइन 210 degree, साइन ऑफ 180 degree प्लस 30 degree कौन सा पॉइंट आएगा, थर्ड ही आएगा, यही सेम पॉइंट रहेगा थर्ड, थर्ड पॉइंट में आफ्टर स्कूल टू टेन और कॉट पॉजिटिव साइन एक्टिव, 180 पे साइन साइन रहेगा, साइन 30 की वैल्यू आएगी -1, कॉस 120 की भी निकाल लो, पहले सबकी वैल्यू निकाल के पुट करा दो, बाद में देखेंगे कॉस 180 -60, 120 की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा 180 माइनस थीटा सेकंड पर, सेकंड वाले कॉस क्या होगा नेगेटिव, 180 में कॉस कॉस में ले कॉस 60 की वैल्यू क्या आएगी माइनस में। अब लास्ट एक और वैल्यू निकालो साइन 120 की, तो पुट करा दें, तीन की वैल्यू निकाल दी साइन 120 के ऊपर निकाल दें, इसकी वैल्यू 1 में पुट करा दें, पॉइंट कौन सा आएगा सेकंड राउंड में, कोसाइन क्या होगा आफ्टर स्कूल, साइन क्या होता है पॉजिटिव, 180 पे साइन साइन रहेगा, साइन 60 के लिए क्या आएगी √3/2, किस में पुट करा दो इन वन में,
जेड कितना आ जाएगा आपके पास ट्वाइस कॉस 210 डिग्री माइनस रूट थ्री बाई टू, साइन 210 डिग्री माइनस वन बाई टू, फोर टाइम्स हो जाएगा कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री निकाला है माइनस वन बाई टू, साइन 120 डिग्री रूट थ्री बाई टू, आप मल्टीप्लाई कर लो आंसर निकालो सिंपलीफाई कर लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में चेंज करा ना देखो तो कितना आ गया, वैसे तो 2 4 8 आप कर सकते हो कर लो 8 आप समझ, अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई करना वो आपकी मर्जी है, 2 अंदर मल्टीप्लाई करना वो कर लो मैं कोई इतराज नहीं, तो कितना आएगा माइनस रूट थ्री माइनस 8 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 8 सोचो 4 को इधर मल्टीप्लाई किया 2 से 4 कट गया 2 2 से 4 कट गया 2 रूट 3 8 फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कट गया 2 से 2 माइनस रूट 3 ये कितना आएगा 8 अब ब्रैकेट खोल लो इसको इससे इसको इससे तो जेड कितना आएगा सोचो 2 रूट 3 फिर आगे मल्टीप्लाई कर दो माइनस जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे बता कितना आएगा 6 आयोटा सोच लो प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3 रूट 3 रूट 3 3 होता है तो 6 आयोटा ये आएगा आपके पास प्लस का 2 आयोटा ये आएगा आपके पास माइनस 2 रूट 3 आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस का जेड क्या आएगा 2 रूट 3 ये कितना आएगा माइनस 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर कितना आएगा माइनस का प्लस 2 रूट 3 जेड आएगा आपके पास 4 रूट 3 4 आयोटा। अब इसको किस में चेंज करा दो पोलर फॉर्म बस अब करा लो देखो आंसर बनते हैं। वैसे तो कुछ बच्चे ना सिर्फ तो ओरल चेक कर रहे थे सिर्फ ओरल आपको पता नहीं चलेगा कि नहीं मैं आपको ओरली बता सकता हूँ इसका थीटा और आर कितना आएगा सिर्फ ऐसे आधा मिनट में 30 सेकंड अपनी घड़ी पे लगा लो आप तब भी पता चल जाएगा आर भी और थीटा भी दोनों भी जो इसका आर रहेगा सोचो आराम से बड़े आराम से राम राम के 30 सेकंड है आराम सोचो आर होगा रियल पार्ट का स्क्वायर मिनी पार्ट का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 16 64 48 ये रहा और क्या आएगा 16 64 64 का अंडर रूट 8 आर इसका 8 है फिर मैं इसका थीटा निकालूंगा फिर आर्गुमेंट और चेड निकालूंगा थीटा होता था वाई बाय एक्स वन बाय रूट थ्री बनेगा वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री टाइम में 30 डिग्री पे होता है तो 30 डिग्री हो जाएगा वन बाय रूट थ्री अगर आप समझो तो ये वाई है आपको समझाना है तो 30 सेकंड नहीं कह रहा समझाना है तो कम से कम 1-1.5 मिनट लगेगा ओरल ओरल पर अगर मेरे को अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है सिर्फ 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व आर मेरी बात समझो तो इसका पॉइंट लिख लूंगा इधर देखो इसका पॉइंट लिख लूंगा पॉइंट आएगा 4 रूट 3 कॉमा माइनस 4 सुनो चलो मेरा ड्यूटी है आपको समझाना मैंने पेपर में तो करना नहीं देखो पेपर में तो आपने तो 1.5 मिनट भी लग गया कोई नुकसान नहीं है जो मेरे को आपको समझाते हुए लग गया आप ओरल चेक कर सकते हो आंसर पॉइंट तो यार दुनिया का हर बच्चा लिख लेगा स्क्वेयरिंग और एडिंग हर बच्चा करा लेगा दिमाग से ही तो 8 आ गया आर अंडर रूट होता है आर की मुझे टेंशन भी नहीं है आपको लेके थीटा की टेंशन है तो वाई बाय एक्स करो वाई बाय एक्स मॉडलस में मॉडलस में वाई बाय एक्स को तो 1/√3 बचता है 1/√3 टैन में जो जो बच्चा मेरे से सोचता है तो 30 डिग्री आता है अब मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो क्वाड्रेंट बताओ कौन सा है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर तुम्हें पोलर फॉर्म में जाना है पोलर में जाना है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा 360 माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा तो 330 डिग्री आएगा आप सोच लेना आधा मिनट भी नहीं लगता और आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर निकालना है किसमें प्रिंसिपल पोलर फॉर्म में जाना है प्रिंसिपल में जाना है तो आर्गुमेंट जो होता है माइनस थीटा कौन सा पॉइंट है फोर्थ तो माइनस थीटा का मतलब कितना हो गया माइनस 30 डिग्री मेरी तरफ से आंसर आ चुका है पर मैं बच्चों को नहीं कहूंगा चलो जो दो चार तो शायद मेरे को कैच कर गए हो मैंने प्रिंसिपल में भी निकाल दिया आधे मिनट में और पोलर में भी निकाल दिया पर जो नहीं कैच करते मैं वहां पे आता हूँ जोनी जो नहीं मैं बोल रहा हूँ जोनी जोनी यस पापा नहीं बोल रहा हूँ जो नहीं कैच करते वो इधर आ जाए चलिए कोई बात नहीं इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी जेड आ गया आप अपने तरीके से निकालो आराम से देखो मेरा आंसर वहां लिखा हुआ है मैच होता है कि नहीं होता है ये बोलना पॉइंट कितना आएगा इसका 4√3 कॉमा माइनस 4
इट्स पोलर फॉर्म. Z equal to R cos theta, sin theta. चलिए R कितना आएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर, X का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. 48 प्लस 16, 64, 8, क्योंकि R कभी नेगेटिव नहीं होगा. अब आगे क्या जाऊंगा? थीटा के लिए. थीटा क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू, नाउ फाइंड थीटा. Now find theta. Tan theta equal to y by x. Y देखो कितना है? One by root three आ गया. One by three देखा किस पे आते हैं? 60 degree पे, 30 degree पे. मुझे लगता है 30 पे शायद आता हूँ. जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है देखो जरा. प्रथम वो तो मैंने पहले ही करा दिया. मैंने कहा कि क्या आप ओरल कैच कर पाओगे? मैंने आपको बोला क्या हम ओरल कैच करा पाएंगे? ये बताओ मैं ओरल कैच करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा. थीटा कितना गया? 30 डिग्री. अब क्या निकालना है सोचो. अब आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है. सिंस जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? 4√3, −4. वो कहाँ लाइज करेगा? लाइज है, देखो कौन से पॉइंट में लाइज करता है? फोर्थ पॉइंट. देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा सोचो जरा? 360 − थीटा. अगर वो क्या है? पोलर फॉर्म. अगर प्रिंसिपल पोलर फॉर्म होगी तो माइनस थीटा. फोर्थ पॉइंट में कैसे जाते थे? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव. आर्गुमेंट ऑफ जेड होता था 360 − थीटा. तो 360 − 3, 330 डिग्री आ रही. अब पुट करा दो इनटू जेड आएगा. आर कितना है सोचो? 8 निकाला है आर. ये तो 8 थोड़ा है, तो थीटा है. 8 कॉस 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री. ये आंसर आ रहा. प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल का आंसर निकालना, पोलर पूछेगा तो पोलर. प्रिंसिपल पूछता तो आर्गुमेंट जेड माइनस थीटा होता. सोचते आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होता? माइनस थीटा होता. 330 डिग्री. लो 330 डिग्री होता कितना है? 11π/6 करना. वो कर दो. क्यों? पाई में लिखना तो पाई में लिखो. आता ही होगा यार, इतने बच्चे भी नहीं होगी ये पाई में ना लिख सको. ये कितना होता है? 2π − π/6. तो कितना बनेगा? ऐसे हम लेंगे 12π − π. कितना आ गया? 11π/6 आंसर आ गया. 11π/6 आंसर. चलिए करिए फिर फिफ्थ का. चेंज करना है इन कार्टेशियन फॉर्म में. फिफ्थ का सेकंड कन्वर्ट करना है इनटू कार्टेशियन फॉर्म. Z equal to ₹270. कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है. सोचिए कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है. Z equal to 5 cos 270 degree at sin 270. कराइए फटाफट करो. जेड इक्वल टू 5 cos 270 डिग्री आयोटा साइन 270 डिग्री. क्या पहले इनकी वैल्यू निकाल दो. कॉस ऑफ 180 + 90 डिग्री. कौन सा पॉइंट आएगा थर्ड? 0 90 180 180 + थीटा. कौन सा पॉइंट आएगा थर्ड? थर्ड में कॉस क्या होगा सोचो जरा? आफ्टर स्कूल टू टेन और कॉट पॉजिटिव. कॉस क्या हो गया? नेगेटिव. 180 पे कॉस कॉस रहेगा. कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 कितना होता है? 0.
फिर आएगा साइन 270 डिग्री निकाल लो, कॉस 270, 180 प्लस 90, थर्ड पॉइंट आफ्टर स्कूल टू टेन ऑफ गॉड पॉजिटिव, कॉस क्या आएगा 180 में कॉस कॉस साइन ऑफ 180 प्लस 90, कौन सा पॉइंट आएगा आफ्टर स्कूल टेन ऑफ गॉड पॉजिटिव साइन 180, 180 पे साइन साइन देंगे, साइन 90 कितना होता है माइनस का, गलत निकाला कहीं ने मेरे ख्याल से या मैंने देखने में गलती हुई है, अब इसको पुट करा दो वन में 5 cos 270 कितना होगा 0, आयोटा साइन 270 कितना होगा माइनस का, जेड इक्वल टू माइनस 5 आयोटा, ये आंसर आ गया। बस बस ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई, उसने कार्टेशियन फॉर्म बोली थी, पोलर फॉर्म नहीं बोली थी, कार्टेशियन फॉर्म बोली थी 0 माइनस 5 आयोटा, ये आंसर आना चाहिए। पता नहीं बच्चों ने क्या निकाला, पीछे देखो कितना आंसर दे रहे हो, यही तो दे रहा है, अरे कार्टेशियन फॉर्म बोली थी तुमने क्या निकाल दी, 6th है। बस ये आंसर है इसका, ये आंसर है, कार्टेशियन फॉर्म में निकालना था, कुछ और निकाल दिया तुमने, अपना ठीक कर लेना बच्चे, इसका आंसर ठीक कर लेना, पहले पढ़ते क्वेश्चन, 6th है, एक्सप्रेस करा दो कितना बना 1 प्लस कॉस आयोटा साइन इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, इसको करना पोलर फॉर्म में, मॉडुलस एम्पलीट्यूड सॉल्यूशन है, जेड दिया हुआ है 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसका पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट, साइन इसकी पोलर फॉर्म है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, यहां पे पहले आर निकाल दो, आर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, फॉर्मूले लगेंगे जो शायद कम समझ में आए तुम्हारे, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की तो अलग बात है, फॉर्मूले लगेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, आर की वैल्यू आएगी कॉस के अल्फा प्लस साइंस के अल्फा क्या होता है 1 होता है, टू कॉमन ले लो, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है हाफ एंगल पर 2 साइंस के थीटा बाय 2, थीटा की जगह अल्फा है बस, कितना आ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर्मूले लिखे जाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 बार आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 कॉस अल्फा बाय 2, अब डिवाइड करा दो, डिवाइड करा दो टेन थीटा वाई बाय एक्स,
y कितना होगा sin of x, कितना होगा 1 plus cos of. अब फॉर्मूले नहीं आते होंगे ना, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, 2 कॉस क्या थीटा टेन थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है. वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस. अभी तो लिख लो फिर, जब फॉर्मूले अच्छी तरह याद ही नहीं है तो. टेन का इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा बाय टू, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा बाय टू, थीटा कितना आ गया अल्फा बाय टू. ये साइन का के फॉर्मूले होते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो याद आ जाएंगे, सबको याद हो जाते हैं, आपको भी हो जाएंगे. सिंस जो पॉइंट है कौन सा, साइन अल्फा आर कॉस थीटा, देखो किसमें लाइज करेगा, इन फर्स्ट क्वांट, फर्स्ट क्वांट में लाइज करेगा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो गया, कहां पुट करा दो इन टू, आर की वैल्यू देखो कहीं दी होगी, आर की वैल्यू निकाली होगी आपने, आर की वैल्यू, ये r की वैल्यू निकली है, देखो ये किसकी वैल्यू निकाली है, r r की वैल्यू पुट करा दो, थीटा की वैल्यू पुट करा दो, थीटा की भी निकली है, तो कितना आएगा बताओ, z इक्वल टू r कितना है 2 cos अल्फा बाय 2, cos थीटा कितना है अल्फा बाय 2, r की वैल्यू r की जगह पुट करना है 2 cos, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी sin अल्फा बाय 2, या मैं लिख देता हूं पुट करा लो अपने आप करा, आर को कितना वाला 2 cos अल्फा बाय 2, और थीटा को कितना अल्फा बाय 2, किसमें वाला इन, कहां करा देना इन टू, यहां करा दो बस, यहां वैसे तो करा रहा हूं पर कहीं पर समझ नहीं आता, या आर कॉमन ले लो ना फिर समझ आ जाएगा, आर कॉमन ले लो cos थीटा आयोटा sin थीटा, अब cos का कॉमन लो 2 cos थीटा cos अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय, चलो कर लो, देखते हैं.